हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका एक बार फिर स्वागत है ड्रिलर्स के इंस्टाग्राम चैनल पर, जहां पर हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको नए नए आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाएं, उनके लाइफ जर्नी पर ले चलें। तो आज हम जिनके साथ लाइव जा रहे हैं वो हैं आशिफ मिथा, जो बहुत ही बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर जो हमारे साथ जुड़े हैं आज। वो बहुत ही अच्छी है, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एंड जो बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी में अपना, और अपने टैलेंट के थ्रू वो ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ फैंस उनके बन चुके हैं अभी तक। आशिफ मिथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनको लेते हैं लाइव अपने साथ एंड डिस्कस करते हैं उनके साथ कि उनका टाइम कैसा जा रहा है। Let's invite Ashiv on the call. Hello, hello, हाय, कैसे हो? hello. Hello, Ashiv, how are you? हेलो हेलो, आई एम गुड। आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। एकदम सही। एक सेकंड में साफ कर लूँ, लग रहा है कुछ आप क्लियर है। हाँ, Yes. कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? बस हमारा तो काम चल रहा है, जैसे तैसे करके हम लोग लाइव रहते हैं अपनी ऑडियंस के लिए और उनको मिलवाते रहते हैं नए नए आर्टिस्ट से। हमारा तो चल रहा है सारा वो भी ऑनलाइन। आप जरूरी है। बताइए, आपका ये टाइम कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंट हाँ, एक्सपीरियंस है। काफी अलग है क्योंकि वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। टिकटॉक तो फिर भी बन जाती है चलो घर पर, बट यूट्यूब वीडियो बनाना काफी मुश्किल हो गया है। ना यहाँ पे टीम है, ना क्रू, मतलब जो और कैरेक्टर्स चाहिए वीडियो में वो भी नहीं है। जो बिल्कुल फोन कॉल, वीडियो कॉल स्क्रीन दिखा सकते हैं, मंगा सकते हैं, वो भी इसमें भी ज्यादा कुछ इतना फिट नहीं बैठता जैसा अपने को चाहिए होता है। क्योंकि वो रियलिस्टिक वाला होता है ना, जब सामने सामने इसलिए भी शूट कर रहे हो, वो क्वालिटी अलग ही होती है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पहले तो ये जरूर जानना चाहूंगा कि आशीष मिथा ने COVID-19 में क्या ऐसी नई चीज सीखी है जो इससे अलग है, लाइक कंटेंट क्रिएशन और वीडियो से अलग है। नई चीज मैंने क्या सीखी कि घर पे केक अच्छा बन सकता है। ओके, कुकिंग, हाँ, केक नाइस, अच्छा बन सकता है घर पे, ये समझ आया। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सो आशिफ, आपका जो सफर हम जानते हैं, जितना उसके हिसाब से हमें पता है कि आप पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट थे, तो ये जी जी पढ़ाई से अच्छे चलते चलते यहाँ इस लाइन में कैसे आना हुआ आपका, उसके बारे में बताइए हमें थोड़ा। एक्चुअली मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है। एंड मतलब मेरे को ये था कि मेरे को फेमस होना है कैसे भी, मतलब गुड गुड नोट पे, बैड पे नहीं, बट फेमस होना है। तो जब यूट्यूब के बारे में पता लगा कि यूट्यूब पे इस टाइप की वीडियोज बनती है, एंड मैंने और लोगों को देखा कि वो बनाते हैं फनी वीडियोज, तो मुझे भी लगा कि यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि इमेजिनेशन अच्छी थी, अब जिस जब इस हिसाब से झाड़ू पोछा भी लगाना हो सकता है अजीब भाई, नहीं भाई कभी कभी चल जाता है। हाँ, तो फिर जब मैंने एक दो बार ट्राई करा तो अब ना मेरे पास शूट क्वालिटी इतनी अच्छी थी, ना एडिटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी थी। वो ओके ओके इस टाइप आया जिसको, मतलब अगर मैं आज के टाइम में देखूँ तो बहुत बहुत अभी के 1% भी नहीं होगा वो। हेलो 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 एवरीवन, तो ये चक्कर था। तो फिर बनाई छोड़ी ऐसे करके, कभी साल में 2 वीडियो बनाई ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट, फिर छोड़ी, ऐसे करता गया। बट फिर जब मैंने दूसरों को देखा जो रेगुलर कंटेंट बनाते हैं, उन्होंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा यार मैं भी फिर करता ही हूँ ना, कैमरा जब आएगा तब आएगा, जब अच्छा होगा करते रहेंगे, कंटेंट अच्छा बनाते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ आ ही जाएगा। तो फिर ऐसे कर करके मैंने वापस से स्टार्ट किया, करता गया, फिर चल गया ऐसे। क्या बात है। ओके, सो मतलब हार नहीं मानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि राइट आप, क्योंकि बहुत सारे अभी लोग जो हैं वो लगे रहते हैं कि हाँ हमारी यूट्यूब वीडियो नहीं चल रहा है, हाँ वीडियो नहीं चल रहा है। एक अभी बहुत ही आज क्वेश्चन ज्यादा आया लोग, है, हम हाँ वो हाँ ले लेते हैं, हाँ व्हाट इज हाँ द फ्यूचर ऑफ यूट्यूबर, लाइक जो इस लाइन में अब आ रहे हैं लोग, उनके लिए कैसा फ्यूचर रह सकता है आपके अकॉर्डिंग? जो लोग अब आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सीन ये है कि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल के जितने भी टीनेजर्स हैं सारे ही क्रिएटिव हैं, मतलब हर कोई इतना दिमाग लगा रहता है वीडियो बनाने में, जितना हम लगाते हैं उतना भी लोग लगा लेते हैं आजकल। तो थोड़ा सा अब मुश्किल हो गया कि हर किसी के दिमाग में अच्छा अलग अलग कंटेंट, मैं किसी की देखता हूँ वीडियो, मुझे लगता है कैसे सोच लिया, कोई मेरी देखता होगा इसने कैसे सोच लिया। तो अभी आज के टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत है, या तो आपको कंटेंट बिल्कुल ही कुछ यूनिक लाना होगा, या सेकंड स्ट्रेटेजी जो लोग मोस्टली यूज करते हैं वो बड़े बड़े ऑलरेडी पॉपुलर लोगों के साथ बना बना के कोलैब करके उनको पे करके वो ऐसे ही निकाल लेते हैं। बट कंटेंट पे दम होना चाहिए, अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो तब भी कुछ नहीं होगा बिल्कुल मेन बिल्कुल चीज। बिल्कुल बिल्कुल,
बहुत ही बढ़िया आंसर किया आपने। सो अब इसी से ही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जरूर आया है कि रोज रोज नया कंटेंट सोचना या इतना क्वांटिटी में कंटेंट सोचने के लिए भी क्या प्रैक्टिस आप करते हैं फॉलो, जिससे आपके पास नया नया कंटेंट आता है? बिकॉज आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चलता है और आप हमेशा कुछ नया लाते हो उस पे, तो आपके पास आइडियाज कैसे आते हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। मेरे मेरे पास ऐसा होता है कि या तो मैंने अपने आसपास कुछ ऑब्जर्व कर लिया, मैंने कहीं पे कुछ सिनेरियो देख लिया, मैं रोड पे जा रहा हूँ, मैंने रोड साइड पे देखा कि ऐसा हो रहा है, या मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठा उनसे बात करते करते में कोई बात निकल रही, तो मतलब एक मेरे को अगर छोटी सी एक लाइन भी मिल जाए ना, एक डायलॉग मिल गया मुझे, मान लो कि हाँ यार ये डायलॉग, मैंने सोचा यार इसके आसपास ये डायलॉग्स और फिट करे जा सकते हैं, फिर ये इस कॉन्सेप्ट में डायलॉग्स लग सकते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आता है ऐसे करके, फिर और डायलॉग्स लिखता, तो वो ऐसे करते करते वो पूरा मास बन जाता है क्रिएट, ऐसे होता है, मतलब एक्चुअली एक एक छोटा सा वीडियो हिंट बनाने मिल के जाता है। लिए, हाँ एक छोटा सा हिंट मिल जाता है तो उससे अच्छा। यस यस यस, एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, राइट और राइट मैंने पर्सनली देखा है आपके साथ स्पेंड करके टाइम, और हाँ, देखा है कि हमने कितना वो टाइम जाता है और कैसे राइट लगता राइट है। सो जब आपने ये शुरू किया था तो ये डायलॉग राइटिंग और कंटेंट राइटिंग इस सब में आपको स्टार्टिंग में कैसी दिक्कतें आती थी, मतलब आप कैसा फील करते थे सही? स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने लिख लिया मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं वीडियो डालता था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं वही सोचता था यार मेरे को तो इतना सही लग रहा है क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, कुछ महीने हो गए, जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैंने लोगों से पूछा जो मेरे अलावा और क्रिएटर्स हैं या जो ऑडियंस है, भाई क्या कमी है, मतलब अगर मेरी वीडियो देख और इस बंदे की जिसकी वीडियो अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इन दोनों की वीडियो को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कमी आ रही है मेरी वीडियो में, मैं लोगों से अपनी कमी पूछता था, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कम करता था कि चलो अच्छा ये दिक्कत है, चलो इस दिक्कत को हटाएं। जैसे किसी ने बोल दिया कि यार डायलॉग बोलते टाइम में, जैसे स्टार्टिंग में जब मैं नया नया था तब मैं बहुत धीरे धीरे बोलता था डायलॉग, मतलब एक शाय टाइप का दिखता था वीडियो में, तो मुझे लोगों ने बताया भाई खुल के कर खुल के कर, तो फिर मैंने धीरे धीरे बोल प्रॉपर, जो आपका प्रॉपर फाइनल आउटपुट आता है वो फिर अच्छा बनता है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे देखना पड़ता है, वो दूसरे बता सकते हैं आपको, खुद नहीं पता लगता। आपकी जैसे स्टडीज अच्छी रही हैं, उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल आपने ग्रो जी किया, जी और अभी आप बहुत अच्छा कंटेंट इवन टिकटॉक पे भी बनाते हैं डालते हैं, तो इतना टाइम, कितना टाइम आप कंज्यूम होता है आपका इन सब चीजों में? लाइक डे की रूटीन कैसी रहती है आपकी जब आप मेरी डे की कंटेंट रूटीन बनाते हैं? अभी अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें तो सुबह उठ के जिम जाना, जिम से आके रेडी वेडी हुआ, फिर मैं टिकटॉक शूट मेरा ऐसा होता था बेसिकली हर एक दिन छोड़ के एक दिन चला जाता था मैं, तो सुबह जाना सीधा रात को आना ऐसे ही होता था, मैं दोपहर को गया सीधा रात को घर आया, टिकटॉक अपनी शूट कर लिया, आके एडिट कर, टिकटॉक शूट करना इज वेरी इजी, 4 घंटे नहीं लगते शूट करने में, बहुत ईजी है। ओके और रही रही बात यूट्यूब की, तो मैं यूट्यूब के मेरे डेज फिक्स रहते थे, मतलब नॉट इन द सेंस कि फ्राइडे तो फ्राइडे, मतलब एक या दो दिन यूजुअली मैं कोशिश करता था कि एक दिन में शूट कंप्लीट हो जाए, बट ड्यू टू सम रीजंस बहुत बार होता था कि एक दिन में नहीं हो पाता, कभी धूप ज्यादा है बहुत ज्यादा, या धूप है ही नहीं, रोशनी नहीं है, या फिर कोई आ नहीं पाया, ये बड़ा दिक्कत होती थी कि अगर मान लो एक दिन आपने शूट कर लिया, आपने मान लो एक दिन आधी वीडियो शूट कर ली, उसके बाद आपको बाकी की आधी करनी नेक्स्ट डे, अब बाकी जो आपके कैरेक्टर्स है आप तो अवेलेबल हो क्योंकि मतलब मैं अवेलेबल हूँ क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, लेकिन जो बाकी के एक्टर्स है उसमें से अगर एक भी मिसिंग है तो कल का दिन तो हम कर ही नहीं सकते, फिर दोबारा से एक दिन ऐसा ढूंढना जिस दिन सारे अवेलेबल है, फिर शूट करना, फिर रही बात एडिटिंग की, एडिटिंग में भी 3-4 दिन लग जाते हैं, फिर उसको देखो, फिर कमी निकालो, फिर उसको ठीक करो एडिटिंग में, तो बहुत टाइम जाता है, मतलब हफ्ता तो कम से कम मान के चलो एक वीडियो में लगता लगता है, और कंटेंट सोचना इज डिफरेंट थिंग, कंटेंट लिखने के बाद 1 हफ्ता, और एक बार ऑडियंस को आदत हो जाए कि आपकी इतना टाइम में वीडियो आती है देन वो तो वेट करते ही हैं, तो हमारे ऊपर एक तरह से राइट प्रेशर आ राइट जाता है कि हमें डालनी है वीडियो। राइट राइट, वीडियो ना डालो तो लोगों के मैसेज भी आते हैं एंड खुद को भी लगता है कि यार अभी वीडियो बहुत टाइम हो गया नहीं आई नहीं आई, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, बट मैंने फिर लॉकडाउन में भी बनाई और अभी एक और लिख रहा हूँ स्टोरी, वो पिछली वाली से भी बहुत डिफरेंट है, तो मतलब काफी अलग है और काफी नया है वो जो मैं कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, तो उसका वेट कर रहा हूँ जल्दी से बनाऊँ और डालू, अभी तो एडिट भी खुद करनी पड़ रही है क्योंकि ऑफिस बंद है इसलिए। राइट, तो आपका इस पे ही एक क्वेश्चन आया था कि डू यू हैव योर क्रू विद यू, लाइक फुल फ्लेज टीम है आपकी या आप इंडिविजुअली करते हैं अभी? बेसिकली मैं इंडिविजुअली करता हूँ, सिनेमेटोग्राफर है वो हर बार चेंज होता है, एक्ट्रेस मेरे हर बार चेंज होते हैं, अभी लास्ट कुछ टाइम से कुछ कुछ बंदे फिक्स होने लग गए हैं, बट यूजुअली क्या होता है कि अब मान लो मैंने एक दिन अपना निकाल के फिक्स कर लिया, उस दिन जो लोग अवेलेबल है उन्हीं को बुला पाता हूँ,
क्योंकि मुझे अपना बाकी चीजों को भी देखना पड़ता है, इसलिए अब जैसे 2 दिन का शूट है तो 2 दिन जो बंदा अवेलेबल है मैं उसी के साथ शूट कर पाता हूँ, और हर बार यही होता है कि कभी कोई अवेलेबल है कभी कोई अवेलेबल, फिक्स नहीं रह पाते, ये दिक्कत है। और रही बात कैमरामैन की, कैमरामैन भी मेरा एक यूजुअली फिक्स रहता है, 2 बंदे हैं, कभी एक अवेलेबल होता है कभी एक, तो वही दोनों फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं करता मैं, क्योंकि कैमरामैन को एक बार आपको समझ आ जाता है ना कि हाँ इस बंदे की शूट ऐसे है तो उसी को फिक्स रखना पड़ता है, क्योंकि नया बंदा आएगा उसको आप एंगल बताओ मेरी वीडियो में ऐसे होते हैं ये वो, तो बहुत दिक्कत आती है, ये चक्कर रहता है। तो क्रू अगर हम देखें तो 2-3 बंदे हैं जो हाँ फिक्स है, मतलब मेरी फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि हाँ ये 5-6 महीने लिखे हुए, सबसे पहले इनको कॉल करके पूछना है कि तुम अवेलेबल हो या नहीं, अगर वो नहीं होते तो नेक्स्ट, ऐसे सीन है। उसमें मतलब 100K करना, पहले तो जब जिस दिन मेरे जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था धीरे धीरे वीडियोस आ रही थी, जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मैंने यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन में डांस करके वीडियो डाली थी कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। फिर मेरे जब 1000 हुए तब बहुत खुशी हुई, 10,000 पे तो हद से ज्यादा किया, 10,000 लिटरली 10,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, 10,000 लोग कितने होते हैं मैंने आज तक देखे भी नहीं। फिर ऐसे करते करते जब बढ़ता गया और जब वो 99,000 पहुंचा तब मेरा ऐसे था भाई 1 लाख पे कैसा होगा क्या होगा क्या लगेगा, एंड 1 लाख जब हुए तो उसकी खुशी अलग ही थी। मैं अपनी फैमिली के साथ ही बैठा था लैपटॉप पे, मैंने वो लाइव सब्सक्राइबर काउंट खोल रखे थे, तो जब सामने सामने बढ़ रहे थे और जैसे ही वो 100K क्रॉस हुए तो वो खुशी अलग ही थी सबके लिए। एंड रही बात सिल्वर प्ले बटन, जिस दिन सिल्वर प्ले बटन मेरे घर पे आया था तब मैं जॉब भी करता था मैंने बताया था, तो जब मैं ऑफिस में था और सुबह आया था सिल्वर प्ले बटन, तो मेरा ये था कि यार काश आज छुट्टी कर ली होती, पापा मुझे घर से फोटो भेज रहे बटन की, मैं कह रहा पापा इसको ओपन करके भेजो, कह रहे नहीं तू आगे करियो, मैंने कहा नहीं आप दिखाओ तो मुझे देखना अपना नाम लिखा हुआ कैसा लग रहा है। तो फिर जब मैं रात को घर आया मैंने कुछ नहीं पहले वो निकाला उसके साथ फोटो खींच के डाली, मतलब उसको पकड़ना भी एक बहुत ही अलग लेवल की खुशी और अचीवमेंट थी, वो बता भी नहीं सकता ऐसी फीलिंग होती है। कितने साल लगे थे आपको वो करने में अचीव लाइक? मुझे दो साल लग गए, 1.5-2 साल। और जॉब के साथ करना तो और मुश्किल है, तो जॉब के साथ आप कैसे मैनेज करते थे उस टाइम? मैं मंडे टू फ्राइडे अपना ऑफिस जाता था एंड सैटरडे को शूट करता था, एनी हाउ जो बंदा अवेलेबल हो जैसे अवेलेबल हो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सैटरडे शूट करना ही, और संडे में एडिट करता था सुबह से रात तक बैठ के, कई बार तो ऐसा होता था रात को सो नहीं पाया फिर सुबह ऑफिस भी जाना होता था, तो मतलब बहुत स्ट्रगल था। एक 1-1.5 साल तो मैंने कहीं और घूमना बंद ही कर दिया था, मतलब जॉब यूट्यूब जॉब यूट्यूब जॉब यही था बस। फिर जब एक लेवल पे आके लगा कि हाँ अब जॉब की जरूरत नहीं है तब जाके मैंने जॉब क्विट करी, लास्ट ईयर 1 साल हो गया अब जॉब क्विट करे। अरे क्या बात है, मतलब दोनों तरफ एफर्ट लगाना भी बहुत बड़ी बात है, जॉब को मेंटेन करना और उसके बाद। तो कंटेंट क्रिएटर आपके साथ अब आप एंडोर्समेंट्स अगर कुछ आती है तो उनके साथ कैसे डील करते हैं वो जरूर जानना चाहेंगे हम। एंडोर्समेंट्स में अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज की है कौन सी ब्रांड है, क्योंकि अगर हम अपने वीडियो में कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं तो हम बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर हम कोई गलत चीज को प्रमोट कर देते हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ेगा हमारे ऊपर कि हाँ भाई अब मैं अगर मैं आपको मान लो अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि यार ये ऐप डाउनलोड करो आप इससे पैसे कमा सकते हो, लेकिन असली में वो ऐप फ्रॉड निकले या कुछ निकले तो लोगों को लगेगा यार ये बंदा झूठ बोलता है, इसके कहने से हमने डाउनलोड करी हमारे साथ ये हुआ। तो ये पहले ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ती है कि कहाँ किस चीज की है, देन सेकेंडली अभी तो ऐसा हो गया ना कि ब्रांड इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती है तो पता लग जाता है हाँ यार इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने करी है तो हाँ कुछ होगा, क्योंकि वो भी चेक कर फिर, लेकिन अपने तरफ से भी देखना पड़ता है, तो ये चीज है। अब रही बात अब सब ब्रांड का अलग, अब जब से टिकटॉक आ गया तब से थोड़ा ना वो रेट में दिक्कत आ गई, क्योंकि टिकटॉक पे क्या है काफी लोग ऐसे हैं जैसे उनको घर बैठे बैठे सिर्फ डायलॉग्स पे, हम जैसे लोगों के डायलॉग्स पे मुंह हिला हिला के इतने फॉलोअर्स मिल गए, इतने ज्यादा वो पॉपुलर हो गए कि वो उनको लगता है कि बिना मेहनत के उनको अगर 2,000 रुपए भी मिल रहे हैं ना एक ब्रांड के तो उनको लगता है भाई ये तो मैंने कमा लिया, अच्छा तो सारी मार्केट वहां से खराब कर रखी है, ये दिक्कत भी होती है। लेकिन स्टिल यूट्यूबर्स अपना स्टैंडर्ड रखते हैं, ये दिक्कत है। हेलो 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 एवरीवन, हेलो हेलो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, हाउ डिड यू फील व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज यू एट पब्लिक प्लेस, शाय और एक्साइटेड? ओके, सो जब फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने पहचाना था, मैं सीपी में था अपनी मॉम और सिस्टर के साथ, एंड एक बंदा आया सामने से कि आप आशिव हो, मैंने कहा हाथ बहुत अच्छी फीलिंग, ध्यान भी नहीं दे रहा था,
मैं अपने की हाँ तो मैं उस बंदे की तरफ ध्यान नहीं देख रहा था, मैं अपनी मॉम को देख रहा था कि मॉम के फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है ये देख के। तो लिटरली मतलब बहुत बहुत खुशी हुई थी वो बंदा जब सेल्फी लेके गया, पहली बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो भी बहुत ही अलग, मतलब वो भी कांप रहा था, मैं भी थोड़ा अंदर से हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे हो रहा है ये यार। चेक तो करो। अभी लेकिन अभी आपको कैसा लगता है, लाइक वो फर्स्ट टाइम था और अभी अभी कैसा? अभी भी अच्छा लगता है, नॉर्मल लगता है, बट अभी अच्छा तो लगता ही, खुशी होती है। मतलब मैं जा रहा होता हूँ अगर कहीं से तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर किसी को मेरी शक्ल नहीं दिख रही, दिखे कि अगर पहचान गए तो भाई आओ मिलो। अब कई बार क्या होता है कि लोग दूर खड़े होते हैं पहचान लेते हैं, बट वो आने से डरते हैं कि यार जाऊं ना जाऊं। वो फिर बाद में इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है आपको वहां देखा बट आ नहीं पाया, इस टाइप से काफी बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वो है या नहीं, तो वही रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई मैं वही हूँ, बता देता हूँ मैं उनको। ऐसे भी होते काफी बार। बहुत लोग जो आपको फॉलो करते होंगे उनको जरूर पता होगा कि आप अभी बहुत सारे सेलेब्स के साथ शूट करते हैं, आप उनके साथ जी कंटेंट जी बनाते हैं, तो वो सफर कैसे शुरू हुआ? लाइक मनिंदर भुट्टर जी हैं, मिलिंद काबा हैं, इवन अभी तो बहुत ही बड़े नाम है इस लिस्ट में जो गोविंदा हैं, जी जी सो जी आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ, वहां तक आप कैसे रीच हुई? ये सब हुआ टिकटॉक की वजह से, क्योंकि ये सारे कोलेबोरेशन करवाए टिकटॉक ने, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू टिकटॉक फॉर दिस। तो अब जब फर्स्ट टाइम मैं बताता हूँ, फर्स्ट टाइम जो मेरा हुआ था वो हुआ था मिनी माथुर एंड साइरस साहूकार के साथ। तो तब मैं उन दोनों को ज्यादा जानता नहीं था, क्योंकि मैंने नाम सुना हुआ था बट उनका मोस्टली डिजिटल का रहता था तो मैंने इतना देखा नहीं था। तो मैंने गूगल किया कौन है कौन है, मेरे घर पे पता था किसी किसी को कि साइरस ये है मिनी ये है, तो आई वॉज नॉट श्योर कि कौन है वो लोग। बट देन आई वेंट फॉर द शूट नेक्स्ट डे, तो वहां मिला उनके साथ शूट किया, तो मुझे ओके ओके लगा, मतलब इतना अमेजिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैंने देखा ही नहीं, बट हाँ दे आर पॉपुलर एंड हमें शूट के लिए बुलाया है एक प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए तो जाना पड़ेगा, तो ठीक है। फिर उसके आई गेस 3 डेज बाद मैं मुंबई में था टिकटॉक पार्टी में, उसके फर्स्ट टाइम हम जब हाँ फर्स्ट टाइम गौरव और मैं भी वहीं मिले थे मिनी माथुर वाले शूट पे। आशीष भैया जैसे जाओगे, थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन। हाँ तो उसके 3 दिन बाद में मुंबई में था टिकटॉक पार्टी के लिए, वहाँ पे मिलन मिलावा से भी मिला एंड काफी अच्छे से हमारी बात हुई, बट पार्टी में इतनी खास नहीं हुई क्योंकि फिर नेक्स्ट डे कॉल आई कि टी सीरीज में आना है आपको, मिलिंद गाबा के साथ शूट है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप फ्री हो, मैंने कहा मतलब ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, ऑब्वियसली अगर मैं कुछ और भी कर रहा हूँगा तो मैं उधर ही आऊंगा, बिकॉज मिलिंद गाबा के गाने मैंने इधर सुने। एंड मैं एक बार मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले, मैं मिलिंद गाबा का घर इधर ही है दिल्ली में, तो मैं उनके घर भी गया था, बट ऑब्वियसली उनके पापा ने यही बोला कि वो घर पे नहीं है, जो कि बोलते होंगे सबको क्योंकि कितने लोग आते होंगे यार उनके वहाँ पे। तो वो भी मेरे लिए एक सपना था मिलना, तो मैं जब मिला एंड मिलन गाबा ने मुझे ये बताया कि उन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी है, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई थी ये सुन के। फिर उनके साथ तो जब शूट आप किया। उनसे मिलने जाते हैं तो स्टोरी आप ही डिसाइड करते हैं या आपको मिलता है प्रॉपर है कि ये सीन ऐसा सेट करना है, वो एक्टिविटी कैसी रहती है? नहीं, वो खुद ही कंटेंट हमें डिसाइड करना होता है बेसिकली। जैसे मिलन गाबा का गाना आया तो जिंदगी दी पौड़ी, तो हमें उन्होंने बताया कि इस गाने को प्रमोट करना है आपकी वीडियो में, तो हमें अब जैसे वो गाना इमोशनल था तो इमोशनल कंटेंट थोड़ा सोचा मैंने, मदर लव के ऊपर बनाया था वो। अब ऐसी अलग अलग जैसे अब राजकुमार राव है उनकी मूवी आई थी कि मर्डर मिस्ट्री वाली, तो मैंने उनके साथ उसी टाइप का कंटेंट रखा, तो जिस मतलब कंटेंट ऐसा रखो कि जो उनके प्रमोशन वाली चीज से मैच करे। सपना तो सुनंदा बिल्कुल से मिल, हाँ सुनंदा शर्मा से अभी तक नहीं मिल पाया। जी तो बहुत ही यही होता बढ़िया। है बस। ये सुनंदा शर्मा पे ही आ जाते हैं अभी, हम पहले उसी पे बात करते हैं, आपकी फेवरेट सिंगर है सुनंदा शर्मा, तो राइट उनसे राइट राइट कैसे मतलब आप कैसे मिलने का प्रोग्राम बना रखा है आपने? आपने कुछ प्लान कर रखा है, स्क्रिप्ट लिख रखा है कि मैं ये शूट जरूर करना चाहूंगा उनके साथ? अब नेटवर्क आया, आप एक बार यस दोबारा रिपीट करोगे? यस मैं ये बोल रहा हूँ कि सुनंदा शर्मा जैसे आपके फेवरेट सिंगर हैं, तो हाँ आप हाँ उनके साथ अगर शूट करने का मौका मिलता है तो क्या आप डिसाइड करके रखा है कि एक तो मैं अपना पर्सनल जरूर बनाना चाहूंगा और वो ये स्क्रिप्ट रहेगी? नहीं मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट अभी तो मिलना ही, अभी जैसे मैं रेडियो मिर्ची गया था तो वहां पे एक छोटा सा सीन वगैरह रिकॉर्ड भी हुआ था, तो मैंने उसमें सुनंदा शर्मा का एक गाने की एक लाइन गाई थी छोटी सी कि मैंने दूजी बारी प्यार होया सोने दूजी बार भी होया तेरे नाल, तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया एंड सुनंदा शर्मा ने आई गेस सिर्फ विद इन 15 मिनट्स उन्होंने मेरी वो पोस्ट को लाइक किया एंड अपनी स्टोरी में उन्होंने वो वीडियो डाली, तो
और लिखा कि फॉर श्योर आई विल मीट यू वेरी सून। तो मैं बस तब से वेट ही कर रहा हूँ कि वो सून कब आएगा। अब तो लॉकडाउन हो गया खैर, बट हाँ मुझे पता है कि मिल लूंगा, इतना मुझे पता है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम भी उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जल्दी मिल जाएं, क्योंकि एक जो दिली इच्छा होती है जब वो पूरी होती दिखती है तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और हमें उम्मीद है कि आप उनसे जल्दी मिलें और हमें भी एक अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे बिल्कुल अच्छे वीडियो बिल्कुल, बनाते हैं। बहुत 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 हाँ सारी मिलेंगी फिर तो, एक नहीं। क्या बात है क्या बात है, बहुत मनिंदर बढ़िया। भुत्तर के साथ जो सॉन्ग था उसका कंटेंट आपका अभी तक, भाई वो थोड़ा ना सेंसिबल ऑडियंस के लिए था, इसलिए तुझे नहीं आएगा समझ, हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उस वाले पे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? अपकमिंग भाई प्रोजेक्ट मेरा अभी यूट्यूब वीडियो आ रही है, थोड़ा सा बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, काफी डिफरेंट, शायद से उसमें गौरव भी दिखेगा आपको, इसलिए तो काफी अलग है, मतलब देखना कुछ अलग ही। अभी लिख रहा हूँ मैं स्क्रिप्ट, अभी जल्दी से काम स्टार्ट हो जाएगा उसका और अच्छे से। बहुत बढ़िया। ये जो अभी COVID-19 का एक्सपीरियंस हुआ है, सारे सारे लोगों के लिए ये नया ही एक्सपीरियंस है, तो इससे क्या कहते हैं जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर आप क्या सोचते हैं कि वो कैसा असर पड़ा होगा उनके ऊपर, उनका भी काम कम हुआ है या ज्यादा मौका मिला है लाइव आके इंटरेक्ट करने का इवन ऑडियंस से, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? हाँ ये तो है कि मतलब अभी लोग ज्यादा मोबाइल पे लगे हुए हैं, अपना सारा टाइम मोबाइल और लैपटॉप पे स्पेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन एंटरटेन हो रहे हैं, या तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, टिकटॉक, टिकटॉक सबसे ज्यादा, एंड अभी टिकटॉक यूट्यूब की कॉन्ट्रोवर्सी आ गई तो लोग उसमें ज्यादा घुसे हुए हैं, तो लोगों को, बिल्कुल लोग इंजॉय कर रहे हैं, लड़ाई भी इंजॉय कर रहे हैं काफी अच्छे से, और वो लोगों का ये है कि हाँ फायदा हो रहा है डिजिटल क्रिएटर्स को, उनके कंटेंट पे व्यूज पहले से ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक भरा पड़ा है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, नेटफ्लिक्स पे, हर जगह। तो अगर आप अब मतलब दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, अगर कोई नया क्रिएटर है जो स्टार्ट करना चाहता है अपना, तो दिस इज द राइट टाइम, आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब नॉर्मल से ज्यादा पुश मिलेगा, एक आपके साथ नाइस काम करने का नाइस, मौका। हाँ ब्रो बहुत ही बढ़िया। और हमें तो आपकी खैर थोड़ी पता भी है गौरव और आशीष की, तो हम भी यही चाहेंगे आप जल्दी से जल्दी एक साथ दिखें हमें। जी भाई और तो अभी आपका जैसे टिकटॉक का मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि आप टिकटॉक को कैसे लेते हैं, बिकॉज टिकटॉक ने बहुत लोगों को ऑलरेडी उनका करियर में भी हेल्प किया है, और ठीक है टिकटॉक पे मस्ती भी होती है, तो आप टिकटॉक के बारे में कैसा सोचते हैं, कितना इन्फ्लुएंस है उसका? टिकटॉक का बहुत इन्फ्लुएंस है, मतलब अगर आप कोई एक वीडियो देखते हो, जैसे मतलब अगर आप कोई क्रिंज कंटेंट भी देखते हो, जैसे आपने कोई वीडियो देखी, एक बंदा है उसने लिपस्टिक लगा रखी या कुछ भी कर रखा, मतलब मैं अभी क्रिंज की बात कर रहा हूँ, अच्छे पे भी आऊंगा, और मतलब कुछ भी उल्टा सीधा है। अब आजकल क्या है, बच्चे बच्चों देखते हैं टिकटॉक, हर कोई देखते हैं, 7-8 साल के बच्चे भी फोन में टिकटॉक डाल के बैठे, मम्मी के फोन में देखते हैं, हर कोई देखता है टिकटॉक, छोटे से बड़ा, तो वो देख के इन्फ्लुएंस बंदा होता ही है कि यार अगर ऐसा करने से लोग फेमस हो रहे हैं तो क्यों ना ये चीज मैं भी करूं। अब टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट भी है, नो डाउट, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बट सीन क्या होता है, अब अच्छा वाला कंटेंट लोगों ने नॉर्मल देखा, लाइक किया, आगे चले, लेकिन अगर उनको कुछ अजीब सा दिखा, अजीब सा, वो लाइक करे ना करे, उसको शेयर जरूर करते हैं अपने दोस्त के साथ कि भाई ये देख इसमें ये था। अब वो शेयर जितना ज्यादा करते रहेंगे, उस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती रहेगी बढ़ती, और वो वीडियो वायरल जाएगी जाएगी, तो ऐसे जो क्रिंज वाला कंटेंट होता है वो ऐसे वायरल जाता है, वो ऑडियंस करती है, टिकटॉक की गलती नहीं है उसमें, कोई लोग टिकटॉक के लिए बोलते हैं, टिकटॉक का एल्गोरिदम नॉर्मल वर्क करता है, वीडियो जो मर्जी हो, अब एल्गोरिदम को नहीं पता वीडियो में क्या है, वो तो ये देख रहा है कि लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, तो मतलब वीडियो में कुछ अच्छा है ही है, वीडियो में कुछ बात है तब भी कर रहे हैं, तो ऐसे करके क्रिंज वाला वायरल होता है, और लोग क्रिंज चीज फिर ट्राई करते हैं कि यार इससे ये बंदा चला, इससे मैं भी चल जाऊंगा, तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो अपने ऊपर है कि यार हमें इसको रोकना है, इस टाइप के कंटेंट को रोकना है, तभी अच्छे कंटेंट उसके नीचे दब जाता है, क्योंकि तो अच्छा कंटेंट ऊपर लाने के लिए हमें उस वाले कंटेंट को शेयर करना बंद करना पड़ेगा, मेन चीज ये है, इन्फ्लुएंस बहुत करता है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे और क्रिंज वाला छोड़ दोगे तो अच्छे कंटेंट वाले ज्यादा होंगे, अब नया नया बंदा टिकटॉक डाउनलोड करेगा देखेगा तो उसे अच्छा कंटेंट दिखेगा, तो वो अच्छा कंटेंट बनाने की सोचेगा, अगर उसको जैसा दिखेगा, मान लो आपने 10 वीडियो देखी, 10 में से 8 आपको क्रिंज दिखी, तो वो तो यही सोचेगा ना कि यार इस पे इस प्लेटफॉर्म पे यही वीडियो चलती है, मैं यही बनाऊंगा, तो बिल्कुल इसी वजह से बिल्कुल थोड़ी सी इमेज में इशू है अभी टिकटॉक के जो आजकल चल रहा है, अदरवाइज टिकटॉक पे अच्छे क्रिएटर्स भी हैं बहुत सारे, राइट। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो ऑलरेडी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा चुके हैं उसके ऊपर, उसके बाद उनको भी वर्क मिल रहा है इंडस्ट्री में, इवन गानों में और मॉडलिंग में, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आप क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप भी हमें दिखेंगे एक्टिंग करते हुए सॉन्ग्स में या मूवीज में, आपका जानना चाहेंगे कोशिश आपका क्या?
अभी सॉन्ग्स का तो नहीं सोचा, बट हाँ मैं टीवी सीरियल्स वगैरह के लिए थोड़ा सोच रहा हूँ, तो अभी देखते हैं क्या उसका आता है, जैसी कुछ होगा मैं अपडेट नाइस, जरूर करूंगा। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा अभी हमने मेन मे, मेरा डिपार्टमेंट मेन इंटरेस्ट क्योंकि मेरा मेन इंटरेस्ट है एक्टिंग, मॉडलिंग और एक्टिंग में काफी डिफरेंस आया। काफी लोग होते हैं मॉडलिंग एक्टिंग दोनों करते हैं, बट मॉडलिंग और स्किल मैटर करती है सबसे ज्यादा। तो मेरा जब राइट इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट एंड मेरा फील्ड एंड स्किल ही मेरे पास एक्टिंग की है, तो मैं एक्टिंग में ही ज्यादा ध्यान दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब वीडियोस बनाना है, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, आगे। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू आप बोलिए, कंटिन्यू। आप कंप्लीट कीजिए, आप जो बोल रहे थे आप कंप्लीट कीजिए। नहीं, हो गया हो गया, मैं वो कह रहा था कि आपकी साउंड नहीं आ रही थी बीच में, वही बता रहा था। ओके 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 ओके। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप कैमरे के आगे आना है, आप खुद कंटेंट बनाते हैं, खुद सामने आते हैं, तो उसके लिए फिट रहना और वो भी बहुत जरूरी है कि लाइक कैमरे पे आप जी, कैसा दिख रहे हैं, तो राइट फिट राइट राइट। रहने का आप कैसे रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कैसे आप फिट रह रहे हैं वो बताइए। अभी लॉकडाउन में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब एक दिन वर्कआउट किया एक दिन रह गया, फिर एक दिन किया एक दिन रह गया। अदरवाइज लॉकडाउन से पहले तो यही होता था कि डेली वर्कआउट करना है, और जब जिम जाते हैं तो वहां तो मोटिवेशन मिलती ही है, एंड फिर डाइट भी फॉलो होती है। क्योंकि अगर आपकी वीडियो में एक वीडियो में आप थोड़े से मोटे दिखे तो कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई मोटे हो गए, आपका पेट आ गया, तो ऐसे इशू भी आ जाता है। तो इसलिए वो चीज भी मैनेज करके चलना बहुत जरूरी है। फेस पे फैट नहीं होना चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर आपका टिकटॉक है, जैसे टिकटॉक पे तो मोस्टली क्लोजअप दिखता है, तो फेस पे फैट होता तो वो साफ नजर आ जाता, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी टिकटॉक है और इंस्टाग्राम है, और आप कैसे चलते हैं, लाइक टिकटॉक के लिए अलग बनाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए अलग बनाते हैं, या सेम तो शेयर हो सकता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। अभी अभी मैं एक्चुअली यूट्यूब वाली वीडियोस को भी इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, और जो टिकटॉक वाली होती है वो मैं कुछ कुछ डालता हूँ, सारी नहीं डालता, क्योंकि टिकटॉक पे यूजुअली मेरी 15 सेकंड की होती है, तो मैं उन सबको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग। क्योंकि अगर मैं सब कुछ पोस्ट ही कर दूंगा तो कोई मेरे टिकटॉक पे फॉलो ही क्यों करेगा, उनको लगेगा चल इंस्टाग्राम पे हमें टिकटॉक पे जाके करना गया। तो स्टोरीज में डाल देता हूँ ताकि उनको पता लगे कि हाँ ये बंदा वहाँ पे डेली वीडियो डाल रहा है, हमें मन करेगा हम टिकटॉक पे जाके देखेंगे। और अभी मैंने कुछ स्टोरीज इंस्टाग्राम पे भी लिखने स्टार्ट करी है, 1.5-2 मिनट की, जो मैं IGTV पे अपलोड कर सकता हूँ, बिकॉज इतना लंबा कंटेंट मैं टिकटॉक पे नहीं डाल सकता, और 1.5-2 मिनट की मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा छोटी। तो मैं अभी इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ कंटेंट पे वर्क कर रहा हूँ, और यूट्यूब तो है, यूट्यूब वाला कंटेंट भी इंस्टाग्राम पे आता ही है, तो ये चेक करें। ओके सो आप, मैं जरूर जानना चाहूंगा आपका गोविंदा सर के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो तो एक मेरा पर्सनली क्वेश्चन है जो मैं जरूर जानना चाहता हूँ पर्सनली भी, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बेसिकली ऐसा हुआ ही होता कि मैं शूट से घर आ रहा था रात को 9:30 बजे के अराउंड, तो 9:30 बजे के अराउंड मुझे कॉल आई, कॉल नहीं एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया मुझे कि शूट विद गोविंदा, एंड डेट थी बिल्कुल नेक्स्ट डे की, रात के 9:30 हो रहे थे। तो मैं घर पहुंचा एंड मैंने देखा कि सारे मुंबई के क्रिएटर्स थे जो भी ग्रुप में थे, तो मुझे लगा कि यार शायद गलती से ऐड हो गया मैं, क्योंकि मुंबई में है शूट तो मैं क्या कैसे जाऊंगा, कल शूट है और मैं दिल्ली में हूँ। फिर मैंने घर पे बात करी, घर वालों ने कहा कि अभी देख मुंबई अभी जाएगा, इतना महंगा भी पड़ेगा वगैरह वगैरह, और जो कि ऑनेस्ट सही बात है, क्योंकि अगर मैं अभी 2 घंटे बाद की फ्लाइट बुक करूंगा महंगी भी पड़ेगी। तो फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ कि मेरे को टिकटॉक वालों की कॉल आई अराउंड 11 बजे कि हाय आशिफ, देयर इज अ शूट विद गोविंदा टुमारो। मैंने पूछा लोकेशन, तो उन्होंने बोला इट्स इन बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई आर मेन ऑफिस वी वर्क। मैंने कहा ओके, तो उन्होंने पूछा आर यू अवेलेबल फॉर टुमारो, एंड गोविंदा का नाम सुन के मैंने नो नहीं बोला, मैंने कहा यस आई एम अवेलेबल आई विल बी देयर, एंड मैंने घर घर पे मनाया, जल्दी से फ्लाइट बुक करी और गौरव को मनाया मैंने जबरदस्ती साथ लेके गया मुंबई। फिर 2 घंटे बाद हम लोग घर से निकल गए, रात की फ्लाइट पकड़ी और सुबह घूमी, ये हुआ। फिर हमारा 5 बजे का टाइम था गोविंदा सर के आने का, बट वो आए थे बहुत लेट, लाइक रात को 10 बजे ऐसा सीन हुआ था। तो बट 5 घंटे वेट करना उनके लिए वर्थ था, कि हाँ हमने किसी बंदे के लिए वेट किया है तो वो वर्थ है, जिनको बचपन से मैंने सारी मूवीज देखी है, और वो भी कितनी बार देखी है पता नहीं। तो मतलब अपने किसी फेवरेट पर्सन जिसका सोचा भी नहीं किया यार इनके साथ मिलना, और मिलना तो छोड़ो साथ में वीडियो बनाना, जो सोचा भी नहीं था, तो वो हुआ। इसलिए तो वहां तो मतलब एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल ही था। ओके सो इन पर्सन आपकी कैसी इंटरेक्शन हुई गोविंदा सर से, या सीधा वीडियो शूट हुआ इन पर्सन? नहीं, इन पर्सन उनके साथ उनकी डॉटर आई थी, एंड हिज डॉटर इज ऑलरेडी अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब हम ऑलरेडी फ्रेंड थे, जो उनकी डॉटर है टीना, तो वो दोनों साथ आए थे। तो वहां पे भी ऐसा सीन हुआ था कि
पहले गोविंदा सर से हाय हेलो हुआ, देन टीना केम इन, तो टीना को भी सब एवरीवन वाज लाइक हेलो मैम हेलो मैम हेलो मैम, बट टीना हरसेल्फ सेड टू मी कि हाय आशिफ तुम भी आए हो, तो वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस था। हाँ गोविंदा सर भी देख रहे कि अच्छा ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो वो भी एक अलग ही था जो वहाँ पे चल रहा था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। फिर शूट किया एंड मतलब मैं पूरे टाइम उनके साथ था, जब जितने देर वो थे 2 घंटे अगर वो कम टाइम भी थे, तो जितने भी वीडियोस बनी हर वीडियो के अंदर मैं था, और मतलब हमारी बहुत अच्छे से बात हो रही थी, जैसे बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अपनी एक्टिंग पे आप कैसे वर्क कर रहे हैं, करते आए हैं अभी तक, और अभी एक्टिंग को लेके आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं, उसको कैसे आप इंप्रूव कर रहे हैं? एक्टिंग को लेके इम्प्रूवमेंट यही होती है, जब मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जिस दिन मेरे को शूट करना होता है उस दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ, या कैरेक्टर में ना दिमाग में बिठाना पड़ता है कि हाँ मुझे ये बंदा बनना है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। पहले स्टार्टिंग में होता था, मुझे टाइम लग जाता था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था, अब कॉन्फिडेंस आ गया तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगता, अब सोच लिया हाँ ये एक्ट करना है, एक टेक या मैक्सिमम 2 टेक में हो जाता है, बट कुछ कुछ डायलॉग ऐसे हो जाते हैं कि उसको मैं 20 टेक भी ले लूँ ना मेरे को हंसी आ ही जाती है, और एक बार हंसी आनी स्टार्ट हो गई तो उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है, ये चक्कर बहुत होता है। मैं अगर अगर मैं शूट कर रहा होता हूँ यूट्यूब वीडियो, और किस मान लो सामने किसी का सीन है उसको हंसी आ जाती है, मैं उसको डांट देता हूँ लिटरली कि भाई ढंग से, और मेरे डांट की वजह से वो एक दो बारी में ठीक कर, लेकिन जब मुझे ही हंसी आती तो मुझे कोई डांटने वाला नहीं होता, इसलिए तो मेरे को टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो मैं खुद को खुद ही डांट लेता हूँ कि नहीं आशिम करना है, दूसरों को बोल रहा है खुद भी करना है, तो ऐसे करके ठीक हो जाता है। क्या बात है। तो जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं आप उनको ट्रेन भी करते होंगे पहले, अगर कोई नया क्रिएटर जुड़ रहा है आपके हाँ साथ हाँ मतलब अब कर रहा है, हाँ तो काफी उस पे भी काफी आप? ऐसे हैं, हाँ काफी ऐसे हैं मेरी वीडियोस में जो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुए मेरे साथ आना, तो स्टार्टिंग में उनको छोटे छोटे रोल्स देना कि हाँ अभी तो देखो फेस दिखाओ अपना मेन, उनको भी अभी यूजुअली हर किसी को क्या होता है कि मुझे वीडियो में दिखना है, अभी सबको फॉलोअर्स चाहिए, सबको फेमस होना है, तो अभी आपका मान लो फेस वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे, फिर आपको छोटे छोटे डायलॉग से स्टार्ट किया कि हाँ आपको एक माइनर रोल दिया, फिर माइनर रोल दिया, फिर धीरे धीरे करके बड़ा रोल दिया जाता है, मतलब वो चलता ही रहता है, अभी मेन रोल मेरा ही रहता है हमेशा ऑब्वियसली, तो जो साइड रोल्स होते हैं उसमें भी धीरे 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 जब इम्प्रूवमेंट करता जाता है तो फिर हाँ जैसे एक बंदा है उसको मैंने सोच लिया कि यार उसको मैं लीड के साथ वाले के लिए नहीं उससे नीचे वाले के लिए रोल के लिए रखूंगा बिकॉज ऑफ एक्टिंग स्किल्स, फिर उसको रखते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो बंदा भी इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि मैं उसको अपने साथ वाला रोल भी दे देता हूँ, तो ये चक्कर होता है जी। नाइस, मतलब आप खुद तो ग्रो कर रहे हैं और साथ में लोगों को भी हेल्प हाँ करते हैं ग्रो करने में, तो बहुत जी ही सही चीज है। और अभी मैं एक चीज जरूर पूछूंगा आपसे जाते जाते कि आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं या जो एक्टिंग लाइन में आ रहे हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, मैं इस बार भी सबके बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं जो अगर मान लो उन्होंने टिकटॉक पे उनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है या यूट्यूब पे उनकी वायरल, अब मान लो कोई बंदा जॉब कर रहा है उसकी यूट्यूब पे एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आ गए, तो उसको लगता है हाँ यार चलो दिस इज माई बिजनेस, अब मैं यूट्यूब ही करूंगा, और वीडियोज के लिए टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस की वजह से, तो लोग जॉब क्विट कर देते हैं पढ़ाई बंद कर देते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आपका एक बहुत अच्छा लेवल ना अचीव हो जाए, आपकी रेगुलर इनकम ना बन जाए, तब तक आप अपनी स्टडी और अपनी जॉब को मत छोड़ो, मैंने भी 1.5 साल जॉब के साथ करा है तो मुझे पता है कि वो भी जरूरी है, जब आप एक लेवल अचीव कर लो उसके बाद आप बेशक छोड़ दो, और इस चीज में आपको सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, अगर आप अच्छे से करोगे तभी आप अचीव कर पाओगे, कुछ लोग हैं लक से चल जाते हैं उनका अलग मैटर है उसका हम कुछ नहीं कह सकते, बट हमें अपना 100% देना जरूरी है, क्या बात है। एक क्वेश्चन बस यही कहना बहुत चाहूंगा। अच्छा से आया भी मेरे माइंड में कि कंटेंट जैसे फॉलो होता है, मतलब एक नया ट्रेंड जी आया जी उसको फॉलो करना है, देन एक नया ट्रेंड आया उसको फॉलो करना है, तो आप उसके जी जी ऊपर कैसे एक्टिव रहते हैं और आप भी उस चीज को कैसे फॉलो करते हैं कि ये नया ट्रेंड है इसको चलाना है लोग ये पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आप खुद एक ट्रेंड सेटर है इस लाइन में, तो आप उसको कैसे डील तो करते हैं? बेसिकली जैसे YouTube की अगर हम बात करें, YouTube पे अचानक से ट्रेंड आ जाता है कि भाई बहन का प्यार की एक वीडियो दो वीडियो तीन वीडियो सबने बना दी लाइन से, और वो अच्छी चल रही है सबका रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन फिर क्या होता है जैसे इसके अलावा दिवाली आ गई तब दिवाली पे वीडियो बनाने लगते हैं, तो अगर मैं एज अ पॉइंट ऑफ ऑडियंस सोचूं कि ऑडियंस ने अगर एक दिवाली, अब 4-5 लोग क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं इंडिया में उनकी वीडियो हर कोई देखता है, ठीक है, अब मान लो मैंने देखा उन सबने दिवाली पे वीडियो बना दी, मतलब उनकी स्टोरीज देख के पता लग जाता है इस टॉपिक पे वीडियो आने वाली है, अब मुझे पता है लोग इनकी 5ों की वीडियो देखेंगे, और कंटेंट उसमें ना कुछ खास डिफरेंट नहीं होता, सबका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होगा क्योंकि दिवाली में लोग एक ही चीज दिखाता है हर कोई, तो उसके बाद क्या होता है, अब मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार अगर लोगों ने 5 दिवाली की वीडियो देख ली बड़े बड़े क्रिएटर्स की, मतलब बड़े क्रिएटर्स है तो उनकी वीडियो देखेंगे देखेंगे चाहे जैसी मर्जी हो,
तो मुझे ये रहता है कि यार मेरी वीडियो अगर दिवाली वाली होगी तो कोई नहीं देखेगा शायद, या कम लोग देखेंगे। मैं उस हिसाब से करता हूँ कि मैं कुछ अलग टॉपिक पे बनाता हूँ। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती है कि जो ट्रेंड चल रहा है उससे अलग बनाओ, लोगों को एक अलग चीज दिखा दो। बहुत ही बढ़िया। सो आशिफ, मैं अपनी ऑडियंस से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आशिफ की वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, स्टोरीज डली हुई हैं, ड्रिलर्स पर भी आशिफ की स्टोरी डली हुई है। हाँ, बिल्कुल। सबसे सबसे बेस्ट मेरी वही स्टोरी है जो ड्रिलर्स पे है, क्योंकि उसमें मेरी पूरी लाइफ जर्नी अच्छे से लिखी हुई है। बाकी आर्टिकल में तो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, बट ड्रिलर्स पे पूरी लाइफ जर्नी है। तो मैं कोई मेरे से पूछता है तो मैं वही लिंक शेयर करता हूँ सबके साथ। क्या बात है, थैंक यू आशिफ, थैंक यू सो मच। और वी आर थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया अपना। थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया और मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आशिफ, तो जाते जाते आप ड्रिलर्स के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं। ड्रिलर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप ड्रिलर्स को फॉलो करें। ड्रिलर्स आपको काफी सारे अपॉर्चुनिटीज देगा, इवेंट्स देगा, एंड मतलब आपको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलेगा। तो प्लीज ड्रिलर्स को फॉलो करो और टाइम टू टाइम चेक करते रहो, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है इनकी वेबसाइट और इनके इंस्टाग्राम पेज पे। मैंने भी फॉलो कर रखा है, आप लोग भी करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आशिफ। मैं भी अपने सभी फॉलोअर्स को बोलूंगा कि गो एंड चेक आउट आशिफ मिदा, क्योंकि इनके कंटेंट बहुत यूनिक होते हैं, इसीलिए ये छाए हुए हैं और आपको हंसाएंगे भी, क्योंकि इनकी हॉबी भी है और ये मजे करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी इनको पसंद है करना जी, जी, जी। और उसपे भी ये लगे रहते हैं और उनके कंटेंट में वो चीज दिखती है। सो आशिफ ऑल द बेस्ट, आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी, थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपको आगे जल्दी ही देखेंगे मेन। बिल्कुल बिल्कुल, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thanks Thank for you. giving us your time. Thanks Thank for you. inviting. Okay. Thank you. Bye bye.